ये बीच वाली लाइन है थोड़ी थोड़ी सी पीछे हो गई है साउंड की वजह से थोड़ा थोड़ा सा बोलिए श्याम प्यारे की देखिए प्रेमियों एक निवेदन करूं आप लोग किस लिए आए हो कीर्तन करने के लिए अब अगर कोई भी आवाज कर रहा है तो कीर्तन कैसे करेंगे देखो एक सुनो सुनो एक इंच भी जगह नहीं है जो जहां पे खड़ा है वहीं पर खड़े होकर सुनना है आप मेरे को देख लोगे तो आपका कोई भला नहीं होना है और मैं आपको देख लूंगा तो भी आपका कोई भला नहीं होना है और आप बाबा को देख लोगे तो मुझे नहीं मालूम होगा नहीं होगा क्या होगा लेकिन बाबा अगर आपको देख लेगा तो इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म का बेड़ा पार हो जाएगा और बाबा आपको तभी देखेगा जब बाबा के सामने आओगे ये गलत बात है ये भ्रम है आपका अगर आपको बाबा नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपके कान में कीर्तन की आवाज आ रही है और वहीं से खड़े होकर आप अगर आप कीर्तन कर रहे हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सामने बैठकर अगर कोई कीर्तन नहीं कर रहा है तो उसकी तरफ नहीं देखेगा जो नजर नहीं आ रहा है अगर वो कीर्तन कर रहा है तो बाबा सबसे पहले उसको इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन यह अखाड़ा है आज का कीर्तन अरदास कीर्तन है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दो पंखे जो ये अरदास कीर्तन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बाबा पहले कलकत्ता आए और फिर कलकत्ता से चलकर खाटू अपने घर वापस जा रहे हैं बीच में जितने भी हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं सब में बाबा होकर जा रहे हैं वैसे तो इस दरबार के बारे में मैं क्या बताऊं 6 महीने पहले जुलाई में हम आए थे एग्जैक्टली 14, 15 या 16 जुलाई को 6 महीने से भी ऊपर हो गए और पहली बार ये मेरा सौभाग्य हुआ था इस दरबार में कदम रखने का जब जगह फाइनल करने के लिए सारे रास्ते की रेखी करने के लिए आए वहां कदम रखने पर दरबार में आकर कुछ सेकंड के लिए तो अपने आप में नहीं थे हम लोग सच्चा दरबार है इस दरबार में काम बनते हैं क्योंकि करंट वहीं लगता है यहाँ पर काम बनता है हमारे ऊपर गिर रहा है हमारे ऊपर गिर रहा है लेकिन आज आपका मौका है देखना क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह समा गया है आज बाबा के रथ में नीचे बाबा विराजमान है भैया भैया धन्यवाद अरदास कीर्तन है इसलिए मैं निवेदन करूंगा सब कुछ भूल कर देखो प्लीज कीर्तन के लिए भीड़ की दरकार नहीं है मेरा मानना है आज अपने आप को भूल जाओगे तो शाम आपको कभी नहीं भूलेगा कीर्तन में बैठकर भी लोग न जाने कहां कहां घूमते रहते हैं वो घूमते ही रह जाते हैं लेकिन इनके सामने बैठकर
जो अपने आप को भूल जाता है बाबा की देखता है, इसने तो अपना सब कुछ लुटा दिया मुझको, अपने आप को भूल गया, अब इसका कौन काम बनाएगा। बाबा उतर कर आता है और हाथ पकड़ लेता है। इसलिए प्रेमियों आपकी मर्जी है, मुझे जरा सा भी लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो मैं वही विराम कर दूंगा। दिल से तालियां बजाओ, कीर्तन से नहीं, ऐसी भजन जब शुरू हो ताली बजाकर कीर्तन करो। खाटू तक बाबा लेकर जा रहे हैं, आज शायद 1500 किलोमीटर बाबा लेकर आ गया, 1400 या 1500, 300-400 जो भी बाकी है, 400 किलोमीटर। आपको विश्वास दिलाता हूं अकेला नहीं जाऊंगा, आप सबको साथ में लेकर खाटू जाऊंगा। बचे हुए सारे रास्ते बाबा से कहूंगा, बाबा जिसने जिसने कीर्तन में अपने आप को भुला दिया उसको मत भूलना, दिन में एक बार तो सुनेंगे बाबा। और अभी भी 19 दिन बाकी है। इसलिए प्रेमियों जिनके विश्वास का धागा मजबूत है वो सिर्फ कीर्तन करना। बोल सांचे दरबार स्पीकर से उधर स्पीकर गिर नहीं जाए। रास्ते में गांव गांव में प्रेमी आते थे, रथ के आगे आकर बिलख बिलख कर रोने लगे। हजारों अर्जियां बंधी है रथ में, हजारों, यही सोचकर कि हमारे सुनने वाला कोई नहीं, हमारे दिल की बात जानने वाला कोई नहीं। अगर 71 दिन तक, वैसे तो ये सिर्फ धागा है लेकिन हमने अर्जी विश्वास करके बांधी है, तो रथ बाबा के मंदिर के सामने जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि बाबा की नजर नहीं पड़ेगी, और अगर एक नजर पड़ गई तो हमारा तो काम बन जाएगा। इसी भाव से लोगों ने अर्जियां बांधी और इसी भाव से लोग रथ के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगे। ये भजन बाबा उन लोगों की तरफ से आपको चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आपको सुनना भी है और उन लोगों का ध्यान भी रखना है जिन्होंने विश्वास के साथ आपके चरणों में माथा टेका। वो प्रेमी क्या कहते हैं, thank you।
जिंदगी नाम पे रख दे प्रभु ऐसा अपनी जिंदगी नाम पर रख दी बाबा। और तेरा नाम लगा दिया दांव पर, तू जाने और तेरा बस इतना जान लेना बाबा। चरणों का पुजारी हूँ तेरे दर इसके दर का भिखारी बनने में अपने आप को गौरव महसूस करेगा पूरे हाथों से बेकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे चरणों का पुजारी हूँ तेरे दर का भिखारी हूँ चरणों का पुजारी हूँ तेरे दर का भिखारी हूँ जिंदगी नाम पे रख दे प्रभु ऐसा जुआरी Thank you.
Oh,
ऐसा जुआ खेलो कि ये जन्म भी सुधर जाए और अगला जन्म भी सुधर जाए। कभी दो वोट की है, बहुत होंगे, अभी नहीं बोलेंगे। वो पीना भी क्या पीना, रात को पिया सुबह को सफा। नशा करो तो वो करो जो कभी उतरे। प्रेमियों, कई प्रेमी ऐसे मिले जिन्होंने अपने दिल की किताब खोल कर कहा, संजय भाई शाम को 5 बजे थे, अंधेरा होता था और हम अपना सारा काम धंधा छोड़कर, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, हम अपने लग जाते थे नशे में, मस्ती के अंदर में, क्योंकि हमें लगता था इससे बड़ा नशा दुनिया में कहीं है ही नहीं। बोला कभी खाटू नहीं गए थे। एक दिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती की, मन नहीं था लेकिन कुछ अपने थे, खास थे, उनके कहने से खाटू चला गया। बिना मन के सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन सीढ़ी चढ़ने के बाद जब इनकी आंखों से आंखें मिली तो इनकी आंखों में जो नशा दिखा, उस नशे में मैं इतना घूम गया कि दुनिया के सारे नशे इसके सामने दिखते हो। उस दिन का दिन है, कभी दुनिया का दूसरा नशा नहीं किया। पहले शाम को 6 बजे नशा करने के लिए बैठते थे, ना परिवार का ध्यान होता था, ना कारोबार का ध्यान होता था। अभी भी शाम को 6 बजे 7 बजे अपना कारोबार बंद कर देते हैं, लेकिन अब जो समय है वो 2 घंटे कहीं ना कहीं कीर्तन में जाकर बिताते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये वो दरबार है, आपको क्या बताऊं, अगर आपको महसूस नहीं होता तो पागलों की भांति आप लोग अभी 11:30 इस कंडीशन में नहीं होते। ये 2 तस्वीर देख रहे हो ना इधर, इनके बड़ भाग जब तक बाबा श्याम का मंदिर रहेगा हमेशा ही रहेगा, हम आएंगे जाएंगे युगो युग तक रहेगा, तब तक ये 2 भक्त बाबा के ठीक सामने विराजमान रहेंगे। और पूरे अखंड विश्व में सिर्फ श्याम बाबा का ही मंदिर ऐसा है जहां पर जितनी बार पंडित जी बाबा को आरती करते हैं उतनी बार इन दोनों भक्तों को भी आरती करते हैं, है ना पंडित जी। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर में इनसे जिसने रिश्ता जोड़ा है ना, इनसे रिश्ता जोड़ने के बाद में ये सोचना बंद कर दो कि क्या होगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ गया तो इसको लगेगा कि आपका विश्वास डगमगा गया। प्रहलाद भगत जब होलिका जी की गोदी में विराजमान हुए, अग्नि जल रही थी, 2-4 सेकंड के लिए उनका भी विश्वास डगमगाया, लेकिन लोहे के खम, सुर्ख लाल लोहे के खम के ऊपर उन्होंने देखा एक छोटी सी चींटी 2 इंच चढ़ रही है, 1 इंच फिसल रही है,
थोड़ी देर तक देखा लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। आखिर में देखा कि चिट्ठी पार कर गई खंभा। तब समझ में आया इतने से जानवर को अपने प्रभु पर विश्वास है कि मैं पार हो जाऊंगी, पर तू घबरा गया, तेरा विश्वास डगमगा गया। उसी समय विश्वास आया और ठाकुर प्रकट हो गए। तो प्रेमी श्याम उसी के पास है जिसके दिल में विश्वास है। दिल में विश्वास नहीं है, मंदिर में सोना मढ़ दो, चांदी मढ़ दो, वो मूर्ति पत्थर की ही रहेगी, नहीं बोलेगी। लेकिन विश्वास है ना, आपके मंदिर की जगह नहीं है, दीवार पर कागज चिपका दो और रोज विश्वास के साथ उसके फोटो को पकड़ कर ऐसे कैसे हो बाबा, ऐसे प्यार करो इस विश्वास के साथ कि ये कागज नहीं है, ये सजीव है, ये मेरा बाबा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। एक यही देव, एक भगवान ही है जो हर रिश्ता निभाते हैं। हम लोग एक रिश्ता नहीं निभा पाते, हम लोग एक रिश्ता नहीं निभा पाते, ये हमारा बाबा है ना, हर रिश्ता निभाता है। इनको बाबा बोलो, बाबा बनकर बन आपको दिखाएगा, पिता बोलो पिता बनकर, माँ बोलो माँ बनकर, भाई बोलो भाई बनकर। तो प्रेम जो आपके ठाकुर आपके विराजमान है, जो आपके दिल में विराजमान है, उस पर विश्वास रखो कि मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, मेरा श्याम मेरे साथ। घर से निकलो ये सोच कर निकलो कि मेरा बाबा तो मेरे साथ साथ चल रहा है, कोई नहीं चलेगा, श्याम चलेगा। बोल साचे दरबार की कीर्तन कराते हैं शाम को 7 से 10 का है ना। अरे पगले 7 से 10 में तो 125 करोड़ में से हो सकता है कि 20 करोड़ 50 करोड़ लोग बाबा को परेशान कर रहे होंगे, उस समय आपकी सुने ना सुने, लेकिन जब सारी दुनिया सो रही है उस वक्त आप नींदों में खोए हुए हो, लेकिन फिर भी जगकर कीर्तन कर रहे हो, ये भी देखेगा कि ये समय इसने मेरे लिए निकाला है, तो अब इसके पास जाना है। कोई काम अटक रहा है बोल देना बाबा जागरण करेंगे तेरा। गायक को बुलाने की दरकार नहीं है, अपने घर घर के लोग बाबा की जोत कर लेना, शुद्धता से नहा धोकर एकदम बढ़िया से बाबा की देसी घी की जोत करना और बाबा का कीर्तन करने बैठ जाना, सारी रात कीर्तन कर लेना, काम नहीं बने तो थप्पड़ मार देना। जब उस प्रेमी ने गाया मंदिर में, चरणों का पुजारी हूं तेरे दर का भिखारी हूं, बगल में कोई प्रेमी खड़ा था, उसने सोचा कि बहुत परेशान है। जब वो मंदिर से निकला उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा तू क्यों घबरा तेरा श्याम से नाता है, बोलो बोलो बोलो, तू क्यों घबराता है तेरा श्याम से नाता है, जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, तू क्यों तू क्यों घबराता है तेरा श्याम
सौदा करने आए थे, लेकिन आज सौदा नहीं, आज रिश्ता करने आए हैं। जब शाम के
एक
तालियां बजाते रहना। कई लोग सोचते हैं बोलते हैं मेरा पानी बिल्कुल ठंडा होगा, तालियां बजाते रहना। काम ठंडा हो गया तो ऑफिस में तो खाली बैठे हो, और ऑफिस में खाली बैठे हो माता पर हाथ धरकर क्या करूं क्या करूं कैसे काम बनाऊं। पहले तो तेरी नाम की चिंता खुद कर रहा है, वो क्यों करेगा, क्यों करेगा वो, कोई व्यापारी नहीं आ रहा ना, मत आ रहा भले की किताब निकालकर बाबा को भजन सुनाने लग जाएगा। जैसे नरसिंह भगत हो गए, जब चिट्ठी आई नानी बाई के ससुराल से, लंबी लंबी लिस्ट थी, नरसिंह जी के चेहरे पर सिकंद नहीं आया, ठाकुर के चरणों में रख दिया, बेटा नहीं था वो तो ये होता है, लेकिन फर्ज निभाने जाना था। टूटी गाड़ी और बड़े साधुओं को लेकर चल पड़े, सारे रास्ते श्रीमंत नारायण नारायण गुजर जाते। कौन आया, मुरली वाला स्वयं आया, रुक्मणी की और भामा जी का लेकर के घर में माल खत्म हो गया।
इसलिए मैंने अपनी खड़ताल धीरे धीरे रखी। भजन में इतनी ताकत है, दो दिन नहीं हुआ कन्हैया आ गए। जिनका मंगा चल रहा है व्यापार, भजन सुनाने लग जाएगा, चिंता मत कर। जैसे नरसिंह जी का भात भरने आया, भजन सुनकर व्यापारी बनकर आ जाएगा। पूरे महीने में अगर 100 व्यापारी आते हैं तो मुश्किल से गुजारा चलता है। ये पूरे साल में एक बार अगर व्यापारी बनकर आ गया, साल में क्या कहूं, अगर पूरे जीवन में एक बार व्यापारी बनकर आ गया, इस जन्म का भी भंडार भर देगा, अगले जन्म का भी भंडार। भजन सुनाना शुरू कर देना, चिंता मत करना, बाबा पर छोड़ देना, बाबा जैसा चलेगा चलेगा, मैं तेरा भजन करूंगा। पॉकेट में एक पैसा नहीं है,
और ना ही पैसा कहीं से किसी से लिया, इसलिए 5% कमीशन भी यात्रा में नहीं लूंगा बाबा से। ये भी कहूंगा बाबा उसको 100% देना और मेरे में से कोई 1% उसको दे देना। मानो आपकी मर्जी, नहीं मानो मेरा काम। क्या पता इन 5 मिनटों में क्या हो जाए, क्या पता आप यहां बैठे हो कौन सी मुसीबत टल जाए, और क्या पता आप यहां पर बैठे हो कौन सी तकदीर खुल जाए। आखिरी कुछ है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस भजन के बीच में कोई मत रुकना। अगर अभी भी किसी को जाना है तो पहले चले जाना, लेकिन यह भजन नहीं है, एक करुण पुकार है एक ऐसे भक्त की जिसने चित्कार लगाकर बाबा के दरबार में आकर चित्कार लगाई। बढ़ा ले
Thank you.
Thank you.
बचाओ जी हाथ में
कैसे कहूं आप सबका आभार, कल भी यही था कसम से। मैं समझता हूं पिछले 2-4-5 साल में ऐसा कीर्तन नहीं देखा मैंने। और आज एक विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ कि मेरा बाबा आपका काम बनाएगा, विश्वास के साथ वादा करता हूं कि जिसने भी यहां से गाया है मेरा श्याम उसका काम जरूर बनाएगा। मुझ गरीब पर भी कृपा कर दो। और आज एक अगर मंदिर कमेटी से निवेदन करूं, मंदिर कमेटी से एक निवेदन करूं, भगवान भी अपने भक्त की खातिर नियम बदल देता है। आज पता नहीं, मुझे लगता है इस मूर्छड़ी में कसम से ताकत, आज किसी का काम बनेगा। इसलिए मैं दोनों पुजारी जी महाराज से निवेदन करूंगा, अरदास करूंगा, एक बार बाहर आ जाओ, सब बैठे रहना। ओ आंटी जी बचाओ, अच्छा जाओ जाओ, ऐसा करोगे तो नहीं, ऐसे में थोड़ी आएगा बाबा, ऐसे में बाबा नहीं आएगा। सुनो, ऐसे अगर लोगोगे तो मोर छड़ी नहीं काम करेगी। अपने स्थान पर जो जहां पर है वो अपने स्थान पर रहो। पुजारी जी महाराज आप इधर से आ जाओ, और जितने भक्त हैं देखो, सिस्टम बिगाड़ोगे पंडित जी घूम जाएंगे। बाहर आ जाइए पंडित जी, बाहर आ जाइए। अगर आप खड़े हुए या आपने व्यवस्था बिगाड़ी तो पुजारी जी महाराज वापस चले जाएंगे। ये मजाक नहीं किया, पता नहीं आज मोर छड़ी से किसका काम बन जाएगा। एक पुजारी जी इधर, एक पुजारी जी है, आप इधर पकड़ लो, आप इधर पकड़ लो, सबके पास जाएंगे। देखो आपने, मुझे लगता है आपने इसे मजाक समझ लिया। आएंगे पंडित जी, आएंगे उधर भी आएंगे, और जिसके सिर पर लग जाए ना वो दोबारा सिर मत झुकाना, क्योंकि ये तो एक बार अगर छाया भी पड़ जाए तो काम बन जाता है। आगरा श्याम मंदिर और आगरा के श्याम प्रेमियों ने आज बाबा की इस पद यात्रा के लिए, बाबा के स्वागत के लिए जो पलक पावड़े बिछाए, श्री श्याम कला भवन, हमारे पास शब्द नहीं है। आभार नहीं प्रकट करूंगा, आभार शब्द बहुत छोटा हो जाएगा आपकी भावनाओं के, लेकिन मैं बाबा से यही अरदास करूंगा, बाबा जो भाव आगरा के श्याम प्रेमियों के है पूरे हिंदुस्तान में, और जो पीछे भी आते हैं चल के आए हैं, सब लोगों ने पलक पावड़े बिछाए, यही भाव हर प्रेमी के लिए, हर प्रेमी के दूसरे के जीवन के लिए हमेशा ये भाव बने रहे। तो मैं अनिल कुमार जी मित्तल और अरुण कुमार जी मित्तल दोनों से निवेदन करूंगा वो कृपया यहाँ पर वहीं पर, और बाबा का एक सॉल और श्री श्याम कला भवन का एक प्रतीक चिन्ह प्यार स्वरूप मैं निवेदन करूंगा। परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी हमारे बीच खाटू धाम से पधारे हैं, कला भवन के वरिष्ठ सदस्य, खाटू धाम रहते हैं लेकिन खाटू से कलकत्ता
चलकर आए पर कलकत्ते से पैदल निशान लेकर चल रहे हैं, झंडाधारी है, बैठ जा मोदी से आ गया। अनिल कुमार जी मित्तल को सर उठाकर बाबा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके ऐसे 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 कर लो। हाँ खड़ा छड़ी को ऐसे घुमा दीजिए सबकी पूरी, बाबा जो रह गया उसके ऊपर में छाया पड़ जाए, सबका काम बन जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दरभंगा बिहार श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा ठाकुर धाम, जिनके पावन सानिध्य में यह यात्रा चल रही है। सीता जी की जन्मभूमि से माँ जानकी का आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव के लिए आया है, तो अभी दिया जाएगा परम पूज्य गुरुदेव को। माँ जानकी की भूमि से हम सब कृतज्ञ ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें। बोल खाटू नरेश की जय। कल का एड्रेस करौली मंदिर, करौली केम पब्लिक स्कूल, केम पब्लिक स्कूल, करौली केम पब्लिक स्कूल। कल का जो कीर्तन है करौली, जिंदा जाओ केम पब्लिक स्कूल।